ये सब क्या हो रहा है बाहर सऊद? इतनी पुलिस क्यों खड़ी है? बताओ क्या हुआ है घर में? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कब आए हो? वो घर में चोर घुस आए थे। और कब? वो मैं आपको फोन भी कर रही थी, आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। आप बार बार फोन काट रहे थे। मिस कॉल्स आई हैं, लेकिन उस वक्त मैं फवाद से बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सऊद को बुला लिया। लगता है आप इस घर के ऑनर हैं। मौके पर आप कहाँ थे? हम हॉस्पिटल में थे जी। जाने से पहले घर की केयर किया करें। लगता है घर का दरवाजा खुला था, तभी चोर अंदर घुसा है। जो कुछ उनके हाथ लगा वो ले गए। आप लोग एस्टिमेट लगाकर अपने नुकसान का बता दीजिएगा, लेकिन जाते जाते वो कुछ चीजें छोड़ गए। खैर, जैसे ही चोर गिरफ्तार हो जाएंगे आप लोगों को इतला दे दी जाएगी। ठीक है, चलो। पुलिस कह रही है चोरों को ढूंढ लेगी। चोरों को ढूंढने से क्या होगा? मेरे जेवर तो वापस नहीं आएगा ना। हाँ, ये नुकसान कौन भरेगा इतने लाखों का? चलें, माल का नुकसान पूरा हो जाता है, टेंशन ना लें आप। तुम्हारी वजह से मेरा सारा जेवर चोरी हो गया। मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है कि बाहर वाला दरवाजा खुला छोड़ के चली गई थी, इसीलिए चोर अंदर घुसा है। अगर तुम ना छोड़ के जाती तो मेरा जेवर नहीं चोरी होता। को छोड़ दो, इसका क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? छोड़ दो इसे। अगर इसका जेवर चोरी होता ना, तब मैं पूछती कि चुप बैठती कि नहीं बैठती। बोलो, तुमने इतना बड़ा नुकसान क्यों किया मेरा? क्या कर रही है? इल्जाम तराशी करने से आपका जेवर वापस आ जाएगा? चोर तो बंद दरवाजों में भी आके चोरी कर जाते हैं। अच्छा, इसकी गलती है, लेकिन सारे नुकसान की जिम्मेदार तो ये नहीं है ना। मेरी साइड देने के बजाय तुम अपनी बीवी को डिफेंड कर रहे हो? हाँ, भूल गए हो इससे तुम्हारी कितनी इंसल्ट की है, कितना शक किया है, जूती के नोक पे रखा है तुम्हें, सब भूल गए हो तुम। वो बातें अपनी जगह है, मैं इस वक्त जो बात करूं वो सच है। वो अपने कमरे में जाओ, कमरे में जाओ अपने। हाँ, चली जाओ अपने कमरे में। इतना बड़ा जो मेरे सोल का थे, उसका क्या होगा? बस करते, रिलैक्स, रिलैक्स। समझाए यार आपने। समझाए ने। मैं ही गलत हूँ। कहाँ से आएगी मेरी ज्वेलरी वापस? मेरे इतने खूबसूरत सेट थे, मेरे झुमके थे, मेरी चूड़ियाँ थी, कौन लाएगा वापस?